आवाज आ रही है आपको? मेरी आ रही है आवाज? जी आ रही है आपके सर, आवाज क्लियर है। जी। नेगी साहब, फिर क्या 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 प्लानिंग है? जा रहे हो अपना रेड सील ले, रेड सील का एग्जामिनेशन देने? जी सर, जैसे ही आता है, फिर जैसे ही मेरे को कंफर्मेशन होती है डेट की, तो फिर मैं आपको भेजता हूँ सर। अच्छा, जैसे आता है कंफर्मेशन वैसे देखते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए, स्क्रीन पे कुछ नजर आ रहा है आपको? सर रियली सर, जनवरी सही में सर, जनवरी 10 तारीख जी की, जनवरी 10 है। नीचे लिखा है कि वी रिक्वायर अ पासपोर्ट, कल की तारीख है, और वो आपका नाम भी लिखा हुआ है, नेगी। जी सर, और जी सर रियली सही में। एक्चुअली सर, मेरा ना फ्राइडे को मेरी अपॉइंटमेंट थी VFS में स्विट्जरलैंड के लिए, फैमिली के साथ मेरा, मेरे 13 को उसकी अपॉइंटमेंट है। तो सर मैं इसको, मैं एक क्वेश्चन है, मैं इसको कितना डिले कर सकता हूँ? एक्चुअली मुझे 13 को जाना है फैमिली के साथ स्विट्जरलैंड के लिए, पासपोर्ट जमा कराने के लिए। ये पॉसिबल है कि मैं इसको एक हफ्ते बाद जमा करा दूँ? पॉसिबल है कनाडा के लिए? आपकी मर्जी है, ये तो 30 दिन तक आप अपना पासपोर्ट जमा करा सकते हो यहाँ पर। वीज़ा तो आपको अप्रूव हो सर जाएगा। ये सर, मतलब इसमें अभी सही सही में सर हो भी क्या, मतलब मैं अरे सर, आपको अरे यार, आप ये रुक जाओ रुक जाओ, आपको यकीन नहीं हो रहा, आपको वीज़ा मिल गया, आपको यकीन नहीं हो रहा। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ यार, रुक सर जाओ। आप सर आप जादूगर है। सही है सर, एक होता है ना कि ये देखो, दोबारा दोबारा पढ़ो आप। सॉरी, मैं इसको थोड़ा स्क्रीन को नीचे कर देता जी हूँ। सर, मैं ऐसा देख लिया सर, वो रोशन तो प्रज्ञा सर कुछ जनवरी बोलना चाहते हैं। जनवरी 10 का, जनवरी 10 का ऊपर लिखा हुआ है, मेंशन है, जनवरी 10 है कल, और आपका फाइल नंबर भी लिखा हुआ है, और नेगी नाम लिखा हुआ है लास्ट नेम, और वी रिक्वायर योर पासपोर्ट टू फाइनलाइज प्रोसेसिंग। मतलब कि पासपोर्ट तो तभी मांगते हैं, अदरवाइज वीजा देंगे तभी तो पासपोर्ट मांग रहे हैं। वीजा आपका लग गया बॉस, आपका कनाडा वीजा लग गया है। लग गया मतलब कि अप्रूव हो गया है। पासपोर्ट जमा कराओ और जाओ कनाडा, जाओ अपना रेड सील का एग्जामिनेशन दो। रेड सील के बारे में जो जो लोगों को शायद पता नहीं है, रेड सील एक मतलब, कई लोग मेरे को दुबई वाला से, यहाँ से दोहा कतर से, यहाँ से पूछते हैं कि रेड सील में हमें करा दो, हमें करा दो। तो मैं एग्जाम्पल एग्जाम्पल आपका देता हूं कि भाई, अगर आप क्वालिफाइड हो तो रेड सील मिल सर एक्चुअली जो रेड सील के भी थे ना, वो मुझे आपकी वीडियो के थ्रू ही मालूम पड़ा था। उससे पहले मुझे मालूम था कि वहाँ पे एक्चुअली एग्जामिनेशन होता है, मुझे इन्फॉर्मेशन आपकी वीडियो के थ्रू ही मिली थी, और मैंने उस वीडियो को देखने के बाद ही आगे आपसे फिर कांटेक्ट किया था। जाएगा। अच्छा, वो भी आपने वहीं से देखा था आप? अच्छा, जी दैट्स सर, गुड। जी सर। वो सर लड़का सिंगापुर में था, जिसका मैं देखा था, शायद मैकेनिकल का था, सिंगापुर में था, दूसरा था मैकेनिकल का इंडिया से। दैट्स राइट दैट्स राइट दैट्स राइट। वो एक्चुअली दूसरा था, इंडिया से, ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी का था वो, करेक्ट सर, ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी का था वो, तो वो जी उसका है। हाँ, और भी सिंगापुर से एक और एप्लीकेशन थी एक्चुअली, वो भी कंस्ट्रक्शन का काम करता था, उसका भी हुआ है। सो रेड सील का तो बहुत ही बहुत कंसल्टेंट्स को, लॉयर्स को दुबई में इधर उधर के, जो जिन्होंने जिनके पास अपनी अपनी जिन्होंने ऑफिस खोल रखे, उनको भी ज्यादा रेड सील के बारे में पता नहीं है। और रेड सील अगर पता भी हो तो, लेकिन रेड सील का वो करते नहीं, क्योंकि रेड सील के लिए वीजा देना वीजा ऑफिसर के लिए थोड़ा सा एक मुश्किल काम है, क्योंकि जितने भी जैसे लोग, जैसे आप जैसे लोग हैं, उन्हें पता है कि आपके पास यहाँ पर आप टेम्प्रेरी रह रहे हो, इंडिया से आए हो, टेम्प्रेरी आपके पास है, जॉब का कुछ पता नहीं, जॉब भी जा सकती है। और एक बार अगर बंदा यहाँ से दुबई से निकला तो पता नहीं कनाडा से वापस आएगा नहीं आएगा, हमारे पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं है उन्हें, तो इस करके वो रेड सील कर लिए वीजा देते नहीं है। लेकिन आपके लिए तो उन्होंने वीजा दे दिया, क्योंकि आप तो पढ़े लिखे बहुत हैं, आप क्वालिफाइड बहुत हैं, और आपने मेहनत करी है। और एक और बात यह है कि लोगों को पता नहीं कि आपने शायद अबू धाबी में भी आपने टेक्निकल का सर्टिफिकेट वगैरह ले रखा है, वो क्या है ले रखा है वो बताएं आप। सर एक्चुअली यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हर एक जैसे हमारे 7 यहाँ प्रोविंस है, जैसे टेरिटरीज है ना, अबू धाबी, दुबई, ये सब, इन सबके सबके अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे आपको यहाँ पे कोई कंपनी खोलनी है टेली इलेक्ट्रिकल की,
उसके लिए ग्रेडिंग होती है कि आपको आपको किस ग्रेड का चाहिए, कोई नंबर, ग्रेड 4, ग्रेड 2, ग्रेड 1। ग्रेड 1 टॉप का होता है, जो उसके फिर रिक्वायरमेंट होती है, इतने इंजीनियर चाहिए, इतने सुपरवाइजर चाहिए, इतने वो चाहिए, टेक्नीशियन चाहिए। तो सबसे फिर यहाँ पे उनकी एग्जामिनेशन होते हैं, तो उस एग्जामिनेशन के बेस में ही उस कंपनी को उस वो लाइसेंस मिलता है यहाँ पे। दैट्स ये एक्चुअली दैट्स सर, ये भी इन्होंने यहाँ से यूरोप से ये अडॉप्ट किया है, जो ये सर मेरे यूरोप में ये सिस्टम्स है कि आपको इस कैटेगरी के लिए, ये लाइसेंस के लिए, ये इतने बंदे इंजीनियर चाहिए, इतने सुपरवाइजर चाहिए, इतने लेबर चाहिए, उन सबके एग्जाम्स होते हैं। तो क्योंकि जब मैं सर तूफान 7 में आया था यहाँ पे, तब यहाँ पे नहीं था, अबू धाबी में नहीं था, दुबई में था, दुबई में एग्जाम होता था, लेकिन अभी अबू धाबी ने उससे भी हाइक अभी वो कर लिया है। तो आप मतलब के आप जो अबू धाबी जो ट्रेड सर्टिफिकेशन है उसमें भी आप टेक्निकल आपको जी सर, सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। हाँ जी सर। दैट्स गुड दैट्स गुड। और कहीं आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कहाँ की थी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री? पहले तो आप अमेरिका कनाडा कभी गए नहीं हो? नहीं सर, मैंने कभी नहीं किया, मैं सिर्फ ओमान गया हूँ, सुडान गया हूँ, स्वीडन का वीजा था, लेकिन मैं स्वीडन ट्रेवल नहीं किया मैंने। और मेरा सर, मेरी लास्ट टाइम आपसे बात भी थी कि मेरी फैमिली बोली थी स्विट्जरलैंड के लिए, तो मैं स्विट्जरलैंड का अपॉइंटमेंट लिया था। मेरा अपॉइंटमेंट भी 13 का इस फ्राइडे को अपॉइंटमेंट है मेरा। मेरे ख्याल है कि अब छोड़ ही दो, क्या करना स्विट्जरलैंड में पैसा वेस्ट करके, छोड़ दो आप उसको, हटा दो उसको। अगर अगर आपने पैसा उसमें टिकट वगैरह अगर नहीं लिया रखा तो छोड़ दो स्विट्जरलैंड को। अभी वैसे वैसे कैनेडा का भी सर, मेरा सिर्फ एग्जाम देके क्यूमे से भी सर्टिफिकेशन लेके फिर प्रॉपर फिर नेक्स्ट प्रोसेस को डालना है। या आपकी आपकी मर्जी है, मेरी तरफ से मैं आपको तो ये एडवाइस करूंगा कि अगर आपके पास बजट अनलिमिटेड नहीं है और इतना पैसा नहीं है कि आप पहले स्विट्जरलैंड जाके अपनी कोई ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ तो छोड़ो उसको अभी। आप अभी तो क्योंकि कनाडा का तो वीज़ा आपको मिल ही गया है तो आप स्विट्जरलैंड को कर दो अभी। आपको आप पासपोर्ट अभी डालोगे वहां पर VFS जहाँ भी दुबई में जहाँ भी है तो आपको 10 दिन के अंदर आपको वीज़ा मिल जाएगा स्टैम्प ऑन द पासपोर्ट। और आप उनको जो BC में जो जहां से आपने अपॉइंटमेंट लिया है टेस्ट के लिए उन्हें आप उनसे बोल दो कि मेरे को वीजा मिल गया है और मेरे को अपॉइंटमेंट जल्दी जल्दी दे दो आप, मतलब अगले महीने दे दो या जब भी एज सुन एज पॉसिबल। ओके सर, सर जैसे वीजा मिलेगा तो मैं सर उनको विद वीजा के उसके साथ उनको भेज दूंगा, बाय मेल कर दूंगा। तो सर आप अभी कर उनको दो ईमेल, आप अभी उन्हें उन्हें बोल दो कि मेरा अप्रूवल आ गई, बस अभी कर दो ईमेल उन्हें। सर मुझे फिर वो सब देखना पड़ेगा ना कि मेरे क्या टाइमिंग है, क्योंकि एक्चुअली फैमिली के साथ देखना पड़ेगा मैं कब ट्रैवल करूंगा, या क्योंकि दैट्स फाइन दैट्स फाइन दैट्स ओके दैट्स ओके। आपको जैसी प्लानिंग करनी है वीजा कर लो क्योंकि वीजा वीजा तो आपको 10 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर आपको हाथ में होगा वीजा। सर बहुत वीजे की मेरे बात है कि मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ वहाँ से मुझे कब लीव, एक वीक की लीव, जितना मैं एक वीक की लीव लेके क्या एग्जाम की डेट है, फिर मैं इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तो सबसे फिर मैं प्लान कर सकता हूँ एकदम। नहीं मैं सर नहीं बोलता कि फैमिली यहाँ पे, फिर कि मैं जानना है, क्योंकि होता क्या है मैं मॉर्निंग में बच्चे को स्कूल छोड़ना है तो फिर मैं लेके आना है, तो मुझे सब प्लान ओ करना पड़ता है उसके लिए। सही बात है सही बात है सही बात है। ये देखो आपने जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कुछ, जी सर, एक आ रहा है ये मैसेज अबाउट योर एप्लीकेशन सर। या ये आपकी एप्लीकेशन मेरे ख्याल है कि नवंबर 21 को लगी थी। जी सर, नवंबर हाँ इक्कीस को सही 23 23 नवंबर को आपका बायोमेट्रिक का वो आया कि बाप ना वो बायोमेट्रिक कराओ करेक्ट सर। और जनवरी 10 को आ गया तो करीब करीब ये व्हाट 1.5 महीना लगा है व्हाटएवर दैट इज राइट। सर जबकि उसमें प्रोसेसिंग टाइम 145 सर, 140 समथिंग डेज था, फिर 230 हुआ था दैट्स राइट दैट्स राइट। और सर। सर आपने मुझे सॉरी सर, मेरे को भी डर था कि इतना अगर लंबा टाइम निकल गया अगर वीजा प्रोसेसिंग में तो फिर आपकी जो डेट जो आपने अपॉइंटमेंट जो टेस्ट की ली थी वो तो फिर मिस कर जाओगे और वो मिस कर ही गए ऑफकोर्स तो। सर एक्चुअली आपने मेरे से पहले ही स्टडी में बोला था अगर तुम पेशेंस रख सकते हो 6-7 महीने तभी अप्लाई करना। और सर मैंने आपकी वही बात मेरे दिमाग में थी, हाँ नो प्रॉब्लम, ये मतलब सर हमने पहले बात की थी कि वो 3-3 महीने का टाइम दे रहे थे, हमें डेट आगे रिन्यू करना ही पड़ेगा। तो मेरा प्लान भी ये था कि जब वहाँ पे समर होती है तब जाना भी सही है, क्योंकि यहाँ पे विंटर होती नहीं है सर, और वहाँ की विंटर टोटली डिफरेंट है। मेरे को आपके आपके फाइल में एक चीज बड़ी अच्छी लगी है कि आपने आंखें बंद करके मेरे पे ट्रस्ट किया कि आप जैसे करना है आप जिस तरह से भी करना है आप उसको कर दो और आई ट्रस्ट यू। तो वो मेरे को एक जो फीलिंग है दिल को टच कर जाती है जब ऐसा कोई आदमी क्लाइंट बोलता है। कई कई क्लाइंट मेरे से किंतु परंतु करते हैं कि भाई नहीं आप
कैसे करोगे, पहले दिखाओ क्या लिखोगे, वो लिखोगे, पहले मेरे को चेक कराओ, और अगर वीजा नहीं आएगा तो क्या करूंगे, तो कैसे होगा। इतने ज्यादा सवाल जब पूछते हैं ना, तो मेरे को लगता है कि ठीक है, यू हैव अ राइट एज अ क्लाइंट टू आस्क दिस क्वेश्चंस, बट अगर आपको इतना अगर ट्रस्ट नहीं है कि अगर हम जो कर रहे हैं आपके लिए, से क्लाइंट के लिए सही कर रहे हैं, तो हम कहें अपने आप ही कर लो भाई फिर। सही, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो ये, और आई एम एक्चुअली सरप्राइज के प्रोसेसिंग टाइम इज शोइंग अबाउट 4 to 5 months, और आपका तो करीब मेरे ख्याल 2 महीने से पहले पहले हो गया है। और आपके जो लेटर में, आपका जो लेटर लिखा है, मैंने जो वीजा ऑफिसर को लेटर लिखा है, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ये टूरिस्ट वीजा, आपको विजिटर वीजा मिल रहा है कि आप जाओगे वहां पर टेस्ट दोगे, लेकिन टूरिस्ट वाली बात मैंने लिखी नहीं है। मैंने तो लिखा हुआ है, ऐसे सीधे ही लिखा हुआ है कि मिस्टर नेगी जो है ये पीआर बनने जा रहे हैं। कई 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 सही मैं बता रहा हूँ आपको, कई लॉयर्स कंसल्टेंट उल्टी, मतलब आई मीन दिस हैज बीन अ ट्रेडिशन कि भाई हम लिखें कि नहीं जी हम वापस आएंगे और हम आके अपने देश की सेवा करेंगे, हमारा टेम्पररी वो है। मैंने तो उसको, इसको फॉर्मूला के उल्टा कर दिया। मैंने तो पहले ही ओपन लाइन में लिख दिया है कि मिस्टर नेगी जो है इलेक्ट्रीशियन है और ये जाके पीआर बनेंगे, इसलिए आप इनको टूरिस्ट वीजा दे दो, है सर। और आपके सामने वीजा है। सर कहते हैं ना सर, जो काम होता है ना सर, जो उसमें क्वालिफाइड होता है उसी वही कर सकता है। अभी कहते हैं जो आपने मेरे से बात बोली कि लोग आपसे सवाल पूछते हैं, उनको ये मालूम है सर आप इसके, ये आपका प्रोफेशन है, आप इसमें एजुकेटेड हैं, आपको ने पूरे आपके पास सर्टिफिकेट लाइसेंस है, आपसे बेहतर इस चीज़ को और कोई नहीं समझ सकता। या नहीं, इट्स नॉट एग्जैक्टली एक्यूरेट बिकॉज दे आर क्लोज टू अबाउट 7,000+ लाइसेंस कंसल्टेंट्स ऑफ कैनेडा इमिग्रेशन, एंड एवरीबडी हैज देयर ओन फोकस एरिया। जो कोई किसी में स्पेशलाइज करता है, कोई किसी में, जैसे स्टडी वीजा है, मैं ज्यादा स्टडी वीजा करता नहीं, ज्यादा नहीं करता हूँ, एक आध कर देता हूँ। तो सबके अपना अपना एरिया है, कोई पीएनपी करता है, कोई ट्रकों के वर्क परमिट वगैरह करता है, ऐसे ऐसे अपना अपना एरिया जरूर है, और जिस हिसाब से उनको पसंद है वो उस तरह से वो करते हैं। लेकिन जो जो मेरे को जो पसंद आता है, वो पसंद आता है कि ऐसा काम करें जो कोई नहीं करता। तो वो उस सीरीज में, ये रेड सील मैंने शुरू किया था, ये अब तो कई साल हो गए इसको, पहले जो सिंगापुर वाले से, तो इसको भी मेरे ख्याल 4 साल हो गए, शायद 3 से 4 साल हो गए होंगे। तो काफी लंबा टाइम हो हाँ, गया। अब ये रेड सील का जो वीजा है, आप चाहे कनाडा में भी किससे पूछ लें, आप किसी भी कंसल्टेंट से पूछ लें, रेड सील मेरे ख्याल है कि 1% ही आउट ऑफ 7,000 कंसल्टेंट्स, मे बी 100 से कम कंसल्टेंट होंगे जो रेड सील के वीजा करना चाहते हैं या करते हैं या उन्हें कामयाबी मिलती है। बहुत ही एक रेयर रेयर चीज है इनके लिए। वो कहते हैं छोड़ो क्या करना, पैसे और दूसरी एप्लीकेशन बनते हैं, वहां से कर लो स्टडी वीजा, कर लो वहां से कमीशन मिलेगी, तो इस तरह से जो उनको ईजी लगता है वो करते हैं। तो रेड सील मेरे को पसंद है, और रेड सील में एप्लीकेशन में आप जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग, क्वालिफाइड लोग मिलते हैं मेरे को, तो मेरे को और खुशी होती है। स्पाउस वीजा तो है ही, स्पाउस वीजा वी डू इट ऑल द टाइम। सो बट हे एनीवे, आई अप्रिशिएट योर कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट, और आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन द फर्स्ट वीजा। दिस इज अ मेजर वीजा ऑन योर पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट खाली है अभी, ठीक है ना? अभी है, आपको कनाडा अमेरिका का वीजा कहीं नहीं था आपको बस। तो आपका, जैसे कि मैंने उस दिन ही बताया था आपको, एक बार अगर कनाडा ने आपको वीजा दे दिया तो कोई कंट्री आपको मना नहीं करेगी, ना कनाडा वाले, ना अमेरिका वाले मना करेंगे, ना ऑस्ट्रेलिया वाले, ना न्यूजीलैंड वाले, ये स्विट्जरलैंड वाला तो छोड़ ही दो, ये सब तो उनके सामने वो नहीं है। सो ये दिस इज कॉल्ड अ फ्लैगशिप, दिस इज अ फ्लैगशिप वीजा। एक बार ये गेट खुल गए तो सारे वीजा के, सारे आप कंट्री के आदमी वीजा। सर क्या हुआ, आपने मुझे बोला भी एक कॉल करना है, और मेरे दिल में ये था सर आज मुझे डांटने वाले हैं, क्योंकि मैंने ना अपनी ये जो वहां पे जो मेल करी मैंने लेट कर दी थी सर। सही में मैंने कहा सर मुझे डांटने वाले हैं कि तुमने मेल लेट क्यों करी है। मेरे दिमाग में वही चल रहा था यार, मैंने कहा सर ने कॉल करने के बोला कि आज डांट ना खाना पड़ जाए। सर नहीं थैंक यू नहीं सो नहीं मच सर, मैं मैं भी नहीं, सरप्राइज हूँ सर, क्योंकि जो प्रोसेसिंग टाइम है उससे भी पहले कंप्लीट होना मतलब पॉसिबल नहीं होता सर। या आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज। देखिए ना, ये आपके वो स्क्रीन पे ही वो आ रहा है, इसका नवंबर 23 वाज योर बायोमेट्रिक डे, डेट आ रही है, बायोमेट्रिक कराया आपने, और उसके एक दिन बाद ही वो स्क्रीन पे अपडेट हो गया था कि आपके बायोमेट्रिक आ गए हैं।
और दिसंबर चला गया, दिसंबर में आधा दिसंबर तो बंद होता है क्रिसमस के हॉलीडे वाला, तो गिव और टेक एक्चुअली आपका करीब करीब 4 हफ्ते में वीजा आया, गिव और टेक। तो सबसे फास्ट, मेरे ख्याल से सबसे फास्ट है जहाँ कहाँ सर वो दे रहे कि 145 नियर अबाउट 3 4 5 months अराउंड अबाउट 203 days ऑलमोस्ट। That's right, that's right, that's right. So, congratulations to you, नेगी साहब। और अभी आपकी फैमिली कहाँ है, इंडिया इंडिया में कहाँ है फैमिली बाकी? यूएई में है सर, अच्छा यही पर है सारी। अच्छा ठीक है, अभी वहां पर कौन है, दिल्ली में है ना कोई? आप कहाँ से, आप कहाँ के बिलोंग करते थे पहले? एक्चुअली मेरा घर दिल्ली में है लेकिन हम लोग उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। अच्छा उत्तराखंड से। अच्छा, नेगी आपका नाम है ना, नेगी वो पहाड़ी लोग होते हैं। अच्छा, जी जी सर, हम लोग पहाड़ी हैं सर। वो एक्चुअली कल फादर का, मेरे हाँ फादर बोले। दिल्ली में गवर्नमेंट जॉब में थे, फिर रिटायर होकर वो वहाँ पे वापस, तो है ना वहाँ पीसफुल है सर दिल्ली में, वैसे भी आपको मालूम है सर थोड़ा हवा पानी सही नहीं है, तो या वो वहाँ कल यहाँ पर दिखा रहे थे जोशी मठ का जो पूरा टाउन है वो हिल गया अंदर से, वो मकान मकान नीचे जा रहे हैं, दरारें पड़ गई, वो वहां की सिचुएशन है? पे सर मैंने भी देखा था वहाँ पे क्या ना सर, वहाँ पे एक वाटर पास बना रहे थे तो उसकी वजह से ये अभी सर उसकी एग्जामिनेशन होगी फिर कुछ कंफर्मेशन होगा, तो सर उसमें हाँ कोई झरना निकला है क्योंकि सर होता है ना अंडर पास होते हैं अंदर से, तो क्या हुआ सर देखते हैं क्या होता है सर उसका, तो लेकिन या अभी तो सर सही है लेकिन देखते हैं क्या करते हैं गवर्नमेंट क्या करती है, तो इतने बड़े इतने सारे लोगों को शिफ्ट करना भी इतना ईजी नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच नेगी साहब, अब मैं आपको फिर करता हूँ फिर। थैंक यू वेरी मच फॉर कोऑपरेटिंग एंड यू नो कंग्रेचुलेट यू ऑन द थैंक यू सर, वीजा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच रियली, And thank you for थैंक the, thank you for the यू trust. सर।